मेरा नाम रीता कुमारी है, मैं इंदिरा कल्याण बिहार मोखला फेसबन में न्यू दिल्ली में रहती हूँ। और मेरे फैमिली में 5 परिवार हैं, एक माँ, मेरे हस्बैंड और 3 बच्चे, 2 लड़की 1 लड़का। और मैं 35 ईयर के हूँ और क्रोशिया के हैंडवर्क काम करती हूँ। मैं जब 14-15 साल के थी तब सीखी, फिर घर के बनाई, पर्दा हो गया, झल्लर हो गया, टेबल क्लॉथ हो गया, बेड शीट हो गया, ये सब बनाती थी। लेकिन कोई फायदा नहीं, सिर्फ घर का काम करती थी, उसमें कोई फायदा 1 रुपया नहीं था। और फिर उसके बाद क्योर से हमारा कॉन्ट्रैक्ट 4 साल हो गई, 4 साल से क्योर से जुड़े हुए हैं, क्योर एनजीओ से। तो वहाँ से मैडम आई, बोले कि ये ट्रेनिंग देंगे मैक्रम और क्रोशिया का, फिर वहाँ से काम देंगे। मैं बोले ठीक है, मैं मैक्रम तो नहीं आता, क्रोशिया तो आता है, दोनों का ट्रेनिंग ले लेंगे, सर्टिफिकेट भी मिलेगी। तो वहाँ से फिर हम ट्रेनिंग लिए, फिर उसके बाद जब से हम लोग एक ग्रुप बने, अब तब से मैंने पैसे इनकम हो रही, अब थोड़ा मैंने हम अब आत्मनिर्भर अब हो गए। मैंने जिस अनुसार से ऑर्डर आती है उस अनुसार से हो जाती है पैसे, कभी जैसे नए ऑर्डर है तो नहीं करते हैं, अब ऑर्डर है तो करते हैं, तो उसी अनुसार से हमारे लिए वो भी लगता है कि बहुत है, क्योंकि जो 1 रुपया नहीं है कमा रहे थे तो उतना भी कमा रहे हैं, तो कम से कम अपना इतना तो रहता है कि चलो बच्चे मांगता है तो देने का क्षमता रखते हूँ कि चलो हम दे दिए। वैसे खुशी मिलती है कि बच्चे को जैसे बुक का जरूरत पड़ा तो नहीं लो 1000 रुपया हम बुक के दे रहे हैं। हमारे बच्चे खुश हैं कि मेरी मम्मी काम करती है और उससे हमारा हेल्प हो जाता। मेरा नाम कृष्णा है और मैं उखला फेजवान में रहती हूँ। वैसे तो मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हूँ और मैं इंदिरा कैंप में रहती हूँ, हो गया 30 इयर्स कम से कम। और यहाँ का मतलब अभी हमने ट्रेनिंग लिया है, पहले तो ट्रेनिंग लिया उसका 2-3 जगह से हमने सैलून का ट्रेनिंग लिया था। चलो आप छोटा मोटा हमने सोचा घर में बैठ के क्या करेंगे, तो हमने स्टार्टिंग में हमने क्या किया, 350 रुपये लेके हम इस काम में शुरू किए थे। हमने तो 350 में स्टार्टिंग किया, क्या लिया हमने, एक थ्रेड लिया और एक पाउडर लिया, एक छोटा सा फेशियल किट ली, छोटा सा एक ब्लीच ली, और उससे हमने ये प्रोग्रेस किया। घर से हमने कई हस्बैंड से ना मदद ली ना कुछ, मतलब ऐसे हमने इतना दुकान को आगे बढ़ा लिया, इंक्रीज कर ली। ये मेरा बड़े बेटी से प्रेरणा मिला है, जो मम्मी पहले मैं बाइंग हाउस में जॉब करती थी शुरू में, शादी से पहले भी। अब जब हमने बच्चा है, आगे हमारा घर को देखने वाला कोई है नहीं है, तो हमने क्या किया, एक छोटा सा काम जो है, मेरा बेटी ने बोला माँ आप पार्लर का ट्रेनिंग लो। मैं क्या, मेरे से नहीं होगा। नहीं माँ आप जाइए अपने लिए कीजिए कुछ। मैं क्या, नहीं मेरे से नहीं होगा। ठीक है, उन्होंने बच्चे ने मेरे को हेल्प किया, मदद किया, जब मैं आगे बढ़ो तो हमने उसका बात से हमने आगे चले गए और मैं ट्रेनिंग ली। जब मैंने देखा, मैं तो सीख ली लेकिन दुकानदारी ये सब जो है ना, ये हमारे घर में कोई करते नहीं है, तो हमने ये सोचा जो यहाँ पे कौन देख रहा है हमें, इतना कर लेते, तो आगे हम करते गए और कस्टमर बढ़ते गया। पति पे डिपेंडेंट थी मैं, जो उनको पैसा मुझे मिलेगा तब मतलब मांगना, खैर उन्होंने वो तो दे देते हैं पैसा, लेकिन मुझे अपने आप से थोड़ा कुछ अजीब सा फील हो रहा था, मुझे अच्छा नहीं लगता था ये चीज़, जो उनका पैसा मैं खर्चा कर रही हूँ। आप मुझे ज़्यादा रिलीज हुआ होता है अभी, जो मैंने जॉब क्यों छोड़ी, लेकिन आप मेरा कलर शोकी पे पूरा डिपेंडेंट, मतलब डिपेंड हूँ मैं, मतलब अच्छा से काम चल रहा है हमारा और मेरा साथ में ये भी है, ब्यूटी पार्लर भी है, तो मुझे 12-13 साल हो गया मैं हस्बैंड से एक पैसा नहीं ली। और ब्यूटी पार्लर से मेरे को ये सीख मिला है, इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है सबसे पहली बात, और किसी पे डिपेंडेंट मत रहो। जब तक आप जियोगे तब तक खुद अपना हाथ चलाओ, वो ज़्यादा बेस्ट होता है। मेरा नाम बीना है, मैं ओखला फेसवन इंदिरा कल्याण बिहार में रहती हूँ और मैं सिलाई सिखाती हूँ और कपड़े भी सिलती हूँ, मैं दोनों काम कर लेती हूँ। हैंड का, हाथ का कोई सा भी काम हो मैं कर लेती हूँ, कढ़ाई सिलाई बुनाई मैं सब काम जानती हूँ। मैं सिलाई का काम अपने मैं
जब मैं 14 साल की उम्र में थी तब भी मैंने सिलाई का काम सीखा था और मैंने 3 साल का डिप्लोमा किया था। उसके बाद में मैं कुछ दिन अपने मम्मी के घर थी, जब तक मैंने वहाँ पर भी सिलाई का काम किया। जब मेरी शादी हो गई, मैं घर अपने घर आ गई, तो यहाँ पर कुछ टाइम तो मैंने सिलाई नहीं की, कुछ टाइम बस अपने घर गृहस्थी यही फैमिली देखती रही। फिर जब मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए, उसके बाद से मैंने घर में सिलाई करना शुरू कर दिया, दूसरे ही कपड़े सिलना शुरू कर दिया और अपना एक छोटा सा लड़कियों को सिखाने का सेंटर चालू कर लिया। धीरे 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 वो 1 से 2 बैच ऐसे करके बढ़ता गया। फिर अभी फिर इस समय में फिर थोड़ा काम डाउन। मेरा परिवार ने मेरे को बहुत साथ दिया। सबसे पहले तो मेरी सास ने मेरा साथ दिया, मुझे यहाँ पे पढ़ाया भी, और मेरे को जब मैं यहाँ का ये काम करती थी, घर का सारा काम वो संभालती थी, तो मैं इस काम को करती थी, बहुत साथ दिया। और मेरी फैमिली में लगभग मेरे परिवार ने पूरा साथ दिया, सहयोग दिया, तभी शायद मैं कुछ कर पाई। ये तो कहाँ कर पाती, एक ही चीज़ आदमी कर पाता एक टाइम में। मतलब एक टाइम वो था जब मेरे शुरुआत में हस्बैंड एक्सपायर हुए थे, तो कहते हैं कोई भी काम करने के लिए तुरंत नहीं चल पड़ता है, उसको चलाने के लिए पहले संघर्ष करना पड़ता है। जब मैंने उनके ख़त्म होने जब मैंने सिलाई सिखानी शुरू की, तो मेरे पास एक लड़की आती थी सिलाई सीखने, फिर 1 से 2, 2 से 3, 4 ऐसे से। उस समय ये लगता था कि मैं कैसे अपना जीवन चला पाऊँगी, एक बच्चा है, खुद हूँ, कैसे मैं क्या कर पाऊँगी। लेकिन धीरे 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 मेहनत करते करते सवेरे बैठती थी काम वाम करके, सवेरे बैठती थी सिलाई करने, कभी कभी मुझे 10 बज जाते थे, 11 बज जाते थे, ना आराम का होश रहता था ना खाने का होश रहता था। लेकिन धीरे 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 अब तो काफ़ी चेंज हो गया। मैं जब से मैंने ये काम करना शुरू किया, सबसे पहले तो मेरी खुद की पहचान बन गई, मुझे इस कैंप में सब जानने लगे, जैसे मैं भाभी थी तो सब सिलाई वाली भाभी के नाम से मेरा नाम फेमस हो गया इस तरीके से। मेरा नाम कविता है और मैं इस टाइम रह रही 13 बलक में, 13 बलक 297 में रह रहे। शुरू से जब शादी हुई थी, जब से हम संघर्ष उठा रहे बहुत ज़्यादा, इतनी संघर्ष उठाए कि समझ लो मारे नहीं बाकी जी रहे। आज मेरा बच्चे हैं 4 लड़की 1 लड़का और दोनों हम यहाँ 7 ससुर पहले ख़त्म हो गए। फिर मैंने चिकन की दुकान खोली, कबाड़ी काम में थोड़ा जानते, एक एक चीज़ चुनना पड़ता है, देखना पड़ता है, और कबाड़ी के माल आता है कहाँ से, बिनने वालों से, या घरों में से निकलते हैं तो घर वाले बेचने आते हैं, और जो 50 आइटम है उनमें से भी हमारे 5-6 दुकानों में माल जाता है, जैसे बोतल हो गए, लोहा हो गए, तामा हो गए, पीतल हो गए, हैं पेपर हो गए, रद्दी हो गए, ये सब चीज़ अलग अलग करते हैं, अलग अलग करके तब अलग अलग दुकानों में भेजा जाता है। एक मुर्गा बेचती तो 30-40 रुपये दे रहे, तो बच्चों की खर्चा तो कुछ तो चलेगा, 100-200 इसमें कमाएंगे, 200-300 इसमें कमाएंगे, तो 500 रुपये घर के खर्चे। इस वजह से पहले 2-4 कटते थे, अब तो ये है 20-25 पीस कट जाते हैं, मैं खुद ही काटती, किसी से ना सीखा ना कुछ कर। जब परेशानी आई, रिश्तेदारी सबका दुकान है, आधे घंटे के लिए जैसे खड़ी हुई देख ली कि हाँ भाई ये चीज़ का ऐसे कटते, तो मैं खुद काटना सीख ली। 4 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक वहीं दुकान संभालती हूँ, दोनों, इसमें ग्राहक आते तो उनमें करती हूँ, इसमें ग्राहक आते तो इसमें करती हूँ। इसमें बैठी हूँ तो MCD वाला आके कहता है दुकान बंद करो, मैं क्यों करूँ दुकान, नहीं तुम्हारी अलाव नहीं है दुकान करने का, मैं दुकान करने की अलाव नहीं है तो मैं क्या अफ्तर खाऊंगी, काम दे दूँ दूसरा काम दे दूँ, हम दूसरा काम कर लेंगे, लेकिन अब अपने मकान के नीचे काम कर रही हूँ तो मैं बंद करने की क्या हक है भाई, मैं अपने मकान में कर रही हूँ ना, मैं किसी के जगह पे तो नहीं कर रही हूँ, और मैं अपने बच्चों की पेड़ निकालूंगी तो तुम दोगे खाने को। मेरा नाम आरती है, मैं तिलोकपुरी में रहती हूँ, मेरी सब्जी की रेड़ी लगाती हूँ। कोविड के बाद से मैंने कहा, हाँ कोविड के बाद से शुरू किया है, मतलब ये करना, जैसे कोविड चालू हुआ है तब करना चालू करी, काम धाम कोई चल नहीं रहा था तो इसलिए मजबूरी से करना पड़ा, काम धाम कहाँ से होगा भाई, बच्चे हैं छोटे छोटे, खर्चा पानी कहाँ से आता, तब चालू कराया मैंने सब्जी का काम। फिर यहाँ पे आके पहले वहाँ रहती थी तो मैं कुछ नहीं करती थी, जब यहाँ रोड पे आ गए तब करना चालू कराया मैंने, तो पहले आलू प्याज टमाटर यही मंगाते थे, उसके बाद फिर धीरे धीरे मैंने सारी सब्जी मंगाने लगी, जब थोड़ा थोड़ा बिकने लगा सब मंगा रही थी, फिर अपना धीरे धीरे दुकानदारी मतलब होने लगी,
फिर इनके पापा का भी मतलब कोविड जब कम हुआ तो उसके बाद थोड़ा बहुत काम उनका भी चलता है, फिर वो सब्जी अपना गाजीपुर मंडी से ला के दे देते हैं मुझे, मैं अपना बेचती हूँ, वो अब काम चलता तो चले जाते हैं, शाम को जब आ जाते तो वो भी लगा लेते हैं। रेड़ी भी मेरी किराए पे थी तो मतलब किराया पानी उसको देती रही, अपना रेड़ी चलाती रही, काम सारा मतलब यहाँ का मैं करती हूँ, जब वो रहते तो वो भी कर लेते हैं बस। मेरा नाम है जसोदा, जसोदा देवी, और यही मतलब कि हमारे रद्दी का काम है, यही काम करते हैं, अपना कंपनी से लाते हैं और यही अपना छपाई बताए अपना घर में। मेरे पति ने चालू किया यही सोच समझ के अपना, भाई बच्चे पालना तो कुछ तो करना ही होगा, तो यही अपना लाते हैं और हम लोग घर में छपाई करते हैं। मेरा नाम गीतांजलि मौर्या है, मैं दिल्ली में रहती हूँ, मैं सजाने का काम करती हूँ और खुद भी करती हूँ और लोगों को भी देती हूँ काम करने के लिए। ये लॉकडाउन से काम चालू किए थे, लॉकडाउन के बाद से ही, क्योंकि लॉकडाउन में तो दिक्कतें हो गई थी। मेरे पति मतलब लाते हैं बाहर से काम और मैं यहाँ पे करती हूँ और दूसरे को भी देते हैं करने के लिए, कर रहे हैं काम। अब जैसे कोई आ गया देखा तो कह रहे हमें भी दे दो, हम भी खाली बैठे हैं, हम भी कर लेंगे काम, तो बोले चलो और ले आते हैं। फिर तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जुड़ते जुड़ते बहुत सारे लोग जुड़ गए थे, 10-15 मिनट लगता है। मेरा नाम मानसी गुप्ता है, मैं अजीत बिहार बुराड़ी में रहती हूँ, मेरा अपना ब्यूटी सैलून है और मैं यहाँ पे अपने दोनों बच्चों को लेके काम करती हूँ। मेरा तो बहुत बुरा हाल रहा क्योंकि ना 3 महीने बंद था, तो बंद करके मैंने इसका रेंट दिया और ये रेंट पे भी है मेरा, ये खुद का नहीं है। ये मैंने खोला था कि मेरे हस्बैंड की इनकम ज़्यादा ठीक नहीं है, मतलब हमने सोचा कि दोनों हम करेंगे तो ठीक हो जाएगा, क्योंकि कर रहे हैं तब भी ठीक है आज के टाइम में एक जने से। अब मुझे 7 साल हो गए यहाँ पे, मेरे काफ़ी क्लाइंट बन गए हैं और क्लाइंट भी मेरे बहुत अच्छे हैं कि मैं फ़ोन करती हूँ तभी वो आते हैं, मतलब अपॉइंटमेंट लेके ही आते हैं, तो मुझे दिक्कत नहीं होती काम करने में। मैं मतलब कि मेरे हस्बैंड है ना, वो मुझको सपोर्ट करते हैं क्योंकि रेंट वो ही भरते हैं, वो मुझसे कभी नहीं बोलते कि तुम रेंट तक निकालो, उनको पता है कि ये खुद अपना जैसे तैसे कर रही है, कोई नहीं, जैसे बच्चे को खर्चा निकाल देती हूँ मैं, आजकल बच्चों के भी बहुत खर्चे हैं, ठीक है, और फिर आगे के लिए थोड़ा सेविंग भी कर रहे हैं, उनके लिए भी चाहिए। मैंने सोचा है कि मेरा अपना होगा तो मैं इसको बड़ा करूँगी, ताकि मैं यहाँ पे हेयर ड्रेसर भी रखूँ, केमिकल का काम भी कर सकूँ। अभी तो सिर्फ मैं ब्यूटी संडे काम करती हूँ क्योंकि यहाँ पे इतनी जगह नहीं है, बच्चों को लेके भी ठीक है जितना होता है वो भी। मैम मेरा नाम शकुंतला मिश्रा है और मैं एक जनरल स्टोर चलाती हूँ। मैम पहले मैं जॉब करती थी, तो जॉब करती थी तो घर में कोई आता जाता था तो हम मिलते नहीं थे, फिर दिक्कत होती थी, तो इस चक्कर में जॉब छोड़ के मैंने स्टोर खोला। ये ऐसा काम है ना जैसे हस्बैंड का काम है, उसमें तो अकेले परेशान होते थे करते, अब इसमें आके सब मिलजुल के कर लेते तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। खुद का ब्यूटी पार्लर का सैलून खोला, फिर वहाँ भी कर रही थी जॉब भी कर रही थी, दोनों काम एक साथ कर रही थी। पहले जॉब पे जाऊं, फिर वहां से आके 9 बजे रात तक वहां जाऊं दुकान पे, फिर घर आती थी। कुछ ना कुछ जिंदगी संघर्ष है तो परेशानी किस बात की, हम तो बच्चों के लिए कर रहे हैं, परिवार के लिए, कि एक दिन हम एक पौधा लगाते हैं तो धीरे धीरे बड़ा करते हैं तो वो फल देता है तो सब खाते हैं, अच्छा लगता है। तो ये परिवार है, अपना परिवार चलाने के लिए तो कुछ भी करना हंस हंस के करना पड़ता है।